पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए बाय सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, आई इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। दिस इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, कॉस ऑफ लॉग एक्स। तो कॉस ऑफ लॉग एक्स में कॉस का डिफरेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास कॉस लॉग एक्स का तो ही नहीं, तो लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसमें है, हमें उसको ही टी मानना है सब्स्टिट्यूशन में, जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी गिवन होगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टी करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी डी एक्स अपॉन डी टी एंड टी का विद रेस्पेक्ट टी इक्वस टू 1। देन 1/x डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी फ्लेक्सीबल है या दोबारा से हम ये स्टेप जंप करेंगे आगे 3 सवाल के बाद। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टी डी एक्स अपॉन डी टी और टी का विद रेस्पेक्ट टी 1 एंड 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सब्सटीट्यूशन में वेरिएबल चेंज हो जाएगा, बाई सब्सटीट्यूशन वेरिएबल विल बी चेंज। तो आई इज इक्वल टू, ये देखिए सर, 1/x डी एक्स तो हो गया डी टी और कॉस टी, और दिस कन्वर्टेड इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आई इज इक्वल टू साइन टी प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो ये आ गया साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, ये है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और भी देखिए, सेकेंड, आई इज इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1-x² डी एक्स, ऑलरेडी गिवन है। कई क्वेश्चन जो हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे उनमें नहीं होगा, एक दो में। या देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1-x², तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी एंड दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1-x² किसका हो गया, साइन इनवर्स का, और डी एक्स अपॉन डी टी और 1, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, और 1 अपॉन अंडर रूट 1-x² इधर है तो उसको रखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देन वेरिएबल इज चेंज, इंटीग्रेशन ई की पावर टी और ये 1 अपॉन अंडर रूट dx इज इक्वल टू किसके हो गया, डी टी के। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, ई की पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, ई साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज इंटीग्रेशन। फंक्शन के लिए आपको वही तरफ से जो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, उस पर बेस्ड मामला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और आई इज इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 अपौन cos² 5x + 2 dx।
अब 5x प्लस 2 आप इसको ऐसे लिख सकते हो ऊपर I इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज रिटर्न एज sec स्क्वायर 5x प्लस 2। अब sec स्क्वायर x स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो इसको लेट डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 होगा, इसमें मिल जाएगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू t। अब देखिए जंप कर सकते हैं अपन एक स्टेप को, 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 तो dx इज इक्वल टू डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 0 तो मैंने वो स्टेप जंप किए डिफरेंशिएट तो 5 dx अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट का 0 और t का 1 तो 5 dx इज इक्वल टू डी टी। अब हमें तो dx ही चाहिए केवल, तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 डी टी, तो इंटीग्रल i चेंज हो गया, ये तो dx हो गया 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट इज वहाँ एंड sec स्क्वायर t dt, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इज 10x तो 10t 1 अपॉन 5 10t प्लस c तो 10 5x प्लस 2 अपॉन 5 प्लस c। ये था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 5x प्लस 2। अब कुछ इंटीग्रेशन वाले मेथड से इन सब्स्टिट्यूशन से आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो ही फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, बट टेन कॉट सेक एंड कॉस एक्स इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकाल रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये भी फॉर्मूले एक तरह यूज करेंगे कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो फॉर्मूले, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ, हमने डिफ्रेंशिएशन किया था तो ट्रिग्नोमेट्रिक छह फंक्शंस के लिए फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन के लिए दो ही के लिखे थे साइन एंड कॉस, तो ये चार फॉर्मूले निकालने हैं अपन, ये किससे निकलेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, अगर आपको इंडिविजुअली इनका पूछा जाए तो पूरा मेथड लगाना जो मैं बता रहा हूँ, और कहीं एक्स क्वेश्चन में आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स तो टेन एक्स रिटर्न है साइन अपॉन कॉस, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए साइन टेन एक्स इज रिटर्न है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का साइन लेगा, अगर हम साइन को टी माने तो वो कॉस डी एक्स आएगा, वन अपॉन कॉस डी एक्स नहीं आएगा, अगर हम साइन को टी मानते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स या मल्टी डिवाइड में यहाँ क्या रहा है मल्टीप्लाई, इसको नहीं मानेंगे, किसको लेंगे कॉस एक्स को, लेट सब्स्टिट्यूशन है कॉस एक्स इज इक्वल टू टी तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डायरेक्ट कर दिया है, नेगेटिव साइन इज नॉट हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं है, इसलिए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो इंटीग्रल किसमें चेंज हो गया वेरिएबल एक्स की जगह हो जाएगा टी, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू उल्टा कर दिया मैंने सही है से 1 अपॉन टी आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी माइनस डी टी एंड 1 अपॉन कॉस, कॉस को क्या माना है टी, तो इसका हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस सी माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और नेगेटिव को हटाना चाहते हो ये देखो एक फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखिए, लॉग एक्स को लिख सकते हैं लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स नेगेटिव के साथ, या चेंज कर सकते हो इसको लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स एंड वन अपॉन कॉस एक्स इज रिटर्न एज सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये भी फॉर्मूला सही है आई, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आ गया लॉग ऑफ सेक एक्स और लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स,
ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में बीच में आ रहा है तो, और इंडिविजुअल टेन का पूछा जाए तो पूरा मेथड लगाना। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉटेक्स इज रिटन एज कॉस अपॉन साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये तो गया डी टी में वन अपॉन टी डी टी। आई इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी एंड लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले निकल रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सब्स्टिट्यूशन लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज sec x tan x plus differentiation of tan x is sec square x or dx is equals to dt। ये की बात है, sec x कॉमन ले लो, sec x कॉमन तो tan x plus sec x dx is equals to dt, तो this is dt और ये 1 upon t, तो I is equals to integration 1 upon t dt, log of sec x plus tan x plus c। ये भी फॉर्मूला, इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, सिंपल सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, तो i इक्वल टू ये भी चलेगा एंड log of 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, तो log of 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और लॉग ऑफ वन इज रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड साइन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, वन इज रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू कॉस, और cos 2x का फॉर्मूला cos x भी, तो cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, ये फॉर्मूला लगे हैं भाई, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, साइन 2x 2 साइन x एंड cos x, और वन है तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो log ऑफ cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos x by 2 plus sin x by 2 a plus b into a minus b cos of x by 2 minus sin x by 2, ये इससे a स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल तो ये आ गया आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये स्क्वायर खत्म हो गया इससे, तो
तो लॉग ऑफ कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू अपॉन लॉग ऑफ कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू एंड आई इज इक्व टू लॉग ऑफ कॉस एक्स वाई टू इज कॉमन वन प्लस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू अगेन कॉमन इज एक्स वाई कॉस एक्स वाई टू वन माइनस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस ऑफ एक्स वाई टू आई इज इक्व टू लॉग ऑफ कॉस एक्स वाई टू से कॉस एक्स वाई टू कैंसिल वन प्लस टेन एक्स वाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स वाई टू एंड टेन पाई वाई फोर इज इक्व टू वन तो ये हो जाएगा आई इज इक्व टू लॉग ऑफ टेन पाई वाई फोर प्लस टेन एक्स वाई टू वन माइनस इंटू वन लिख सकते हैं यहाँ टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू दिस इज फॉर्मूला ऑफ टेन एक्स प्लस वाई टेन लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस टेन वाई तो ये आ गया लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सिक्स तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और log 10 pi by 4 plus x by 2 इन्होंने तो आगे नहीं कर रखा है